students now we are going to start a new chapter rational numbers we have studied fractions earlier in fractions what we have studied that any number is in form of numerator upon denominator numerator upon denominator and this numerator and denominator आर नेचुरल नंबर्स नेचुरल नंबर्स मीन्स स्टार्टिंग विथ वन सो वी कैन से दैट इट इज अ फ्रैक्शन फॉर एग्जाम्पल टू बाय थ्री फाइव बाय नाइन सेवन बाय एट एंड सो ऑन दीज ऑल आर फ्रैक्शंस। ये हम पहले पढ़ चुके हैं तो आप देखिए कि अगर ये नेचुरल नंबर की हम बात कर रहे हैं इट मीनस इसमें कोई भी निगेटिव नंबर नहीं आएगा और मैंने नेचुरल नंबर इसलिए लिखा कि एक्चुअली मैं इसको होल नंबर भी लिख सकता हूं इस न्यूमरेटर को बट डिनोमिनेटर को मैं होल नंबर नहीं लिख सकता क्योंकि न्यूमरेटर में जीरो आ सकता है बट डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ सकता है क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में जीरो आया तो ये नंबर इनफाइनाइट हो जाएगा और इनफाइनाइट हो जाएगा तो हम फिर फ्रैक्शन को डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे तो यहां पर डिनोमिनेटर में जीरो नहीं हो सकता ठीक है लेकिन मैं जब नेचुरल नंबर्स की बात करता हूं तो इसमें कोई भी निगेटिव नंबर नहीं है और जब पॉजिटिव नंबर्स की ही बात होती है तो वो फ्रैक्शन होता है लेकिन जब पॉजिटिव नंबर के साथ निगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं तो उसे फ्रैक्शन बोलने की बजाय हम रैशनल नंबर्स कहते हैं इसीलिए हम यहां पर लिखेंगे कि इफ एनी नंबर इज इन फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू अगर p अपॉन क्यू का कोई फॉर्म हो वेअर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू देन द नंबर इज सो पी अपन क्यू का फॉर्म हो मीन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म हो और वहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स हो और इंटीजर्स हो मीन पॉजिटिव निगेटिव सभी नंबर आ सकते हैं और क्यू यानी कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि डिनोमिनेटर क्यों नहीं होना चाहिए क्योंकि वह नंबर इनफाइनाइट हो जाएगा अगर जीरो हुआ तो सो so, अब आप देखिए कि अगर वो रेशनल नंबर का फॉर्म है तो फिर क्या क्या एग्जाम्पल्स हो जाएंगे रेशनल नंबर के दैट टू बाई थ्री इज ऑल्सो रेशनल नंबर माइनस वन बाई फोर इज ऑल्सो रेशनल सेवन इज ऑल्सो रेशनल नंबर बिकॉज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिटर का फॉर्म है दोनों इंटीजर्स हैं और q जीरो के इक्वल नहीं है फिर माइनस सेवन बाय नाइन एंड सो ऑन दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ना अब देखिए आप रैशनल नंबर दो टाइप के होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव तो अब आप समझ ही चुके होंगे कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही पॉजिटिव या दोनों ही निगेटिव हो तो फिर वो पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा कैसे जैसे मैं बात करूं टू बाय थ्री की फिर माइनस थ्री अपॉन माइनस सेवन की क्योंकि यहां माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल होकर अल्टीमेटली क्या बचेगा पॉजिटिव बचेगा इसलिए ये पॉजिटिव हो गया फिर माइनस सिक्स अपॉन माइनस सेवन और इलेवन अपॉन थर्टीन ये सभी कैसे हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं फिर मैं बात करूं निगेटिव की तो निगेटिव रैशनल नंबर्स में या तो न्यूमरेटर में निगेटिव साइन होगा या डिनोमिनेटर में निगेटिव साइन होगा तो अगर माइनस टू बाय थ्री लिखता हूं तो ये निगेटिव रैशनल नंबर है थ्री अपॉन माइनस सेवन लिखता हूं तो ये नेगेटिव रैशनल नंबर है माइनस इलेवन अपॉन थर्टीन लिखता हूं तो ये नेगेटिव रैशनल नंबर है और सिक्स अपॉन माइनस सेवन लिखता हूं तो ये नेगेटिव रैशनल नंबर है ओके okay? नाउ अब आप देखिए इसमें नेगेटिव रैशनल नंबर में एक बात आपको ध्यान रखनी है वो ये कि चाहे न्यूमरेटर में माइनस का साइन हो चाहे डिनोमिनेटर में माइनस का साइन हो या चाहे सेंटर में माइनस का साइन हो मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में जो साइन होता है जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करता है उसके बिल्कुल पास माइनस का साइन लगा हुआ हो तो इन तीनों का मतलब एक ही होता है और ये नेगेटिव रैशनल नंबर ही होता है मीन्स माइनस वन बाय फोर इज इक्वल टू वन अपॉन माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन फोर तो ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं इसमें से ये फॉर्म जो होता है इसे स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग है आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जब आपका फाइनल आंसर आएगा तो उस आंसर में चाहे डिनोमिनेटर में माइनस का साइन लगा हुआ हो लेकिन जब आप फाइनल आंसर लिखेंगे तो हमेशा वो माइनस साइन आप कहा लगा देंगे न्यूमरेटर में लगा देंगे क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये तीनों आपस में इक्वल है बट हमेशा आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया जाता है नाउ इक्वल एंट रेशनल नंबर अब इक्वेल एट रेशनल नंबर वैसे ही है जैसे इक्वेलेंट uh, फ्रैक्शन होते हैं सो so, देखिए इक्वल रैशनल रेशनल नंबर के लिए क्या करेंगे कोई कोई नंबर है जैसे पी अपॉन क्यू का फॉर्म है और पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आप न्यूमरेटर में कुछ भी माइनस कर दो कोई नंबर इनटू कर दो सॉरी कोई नंबर आप इनटू कर दो या उस पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वही सेम नंबर आप डिवाइड कर दो इन दोनों ही कंडीशन में उस नंबर वो नंबर जो है वो हमेशा उसके ओरिजिनल नंबर के इक्वेलेंट ही रहेगा जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई हैव अ नंबर 12 अपॉन एटीन ओके इस 12 अपॉन एटीन को क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही टू से डिवाइड हो सकते हैं इसलिए अगर मैं एक कॉमन नंबर टू से अगर डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 6 अपॉन सो so, ये जो सिक्स अपॉन नाइन आएगा ये ट्वेल्व अपॉन एटीन के इक्वेलेंट ही होगा क्योंकि मैंने एक ही नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड किया है और ऐसा क्यों है ऐसा इसलिए है कि मैं इसी फॉर्म को फिर से एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करके उसके ओरिजिनल फॉर्म में ला सकता हूं इसलिए इसे हम क्या कहते हैं इक्वेलेंट रैशनल नंबर्स कहते हैं कि 12 अपॉन एटीन और 6 अपॉन नाइन क्या होंगे इक्वेलेंट होंगे अब आप देखिए मैं अगर सिक्स और नाइन को फर्दर थ्री से डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा टू और ये हो जाएगा थ्री तो आप देखिए आप ऐसे भी इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं और आप डायरेक्ट इस ट्वेल्व अपॉन एटीन को अगर सिक्स से डिवाइड करते तो सिक्स टू जा ट्वेल्व और सिक्स थ्री जा एटीन यानी एक कॉमन नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करने के बाद हमें जो नंबर मिल रहा है वो उस ओरिजिनल नंबर के हमेशा क्या होगा इक्वेलेंट ही होगा जैसे एक और नंबर लेते हैं फोर बाय फाइव ये ओरिजिनल नंबर है मैं अगर इसमें टू से मल्टीप्लाई कर दूं न्यूमरेटर में और टू से मल्टीप्लाई कर दूं डिनोमिनेटर में तो फोर टू जा एट अपॉन टेन जो होगा वो फोर बाय फाइव और एट बाय टेन दोनों आपस में कैसे होंगे इक्वेलेंट होंगे मैं फोर बाय फाइव को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में थ्री से मल्टीप्लाई कर दू तो फोर थ्री जा ट्वेल्व और फाइव थ्री जा फिफ्टीन तो ये जो ट्वेल्व बाय फिफ्टीन है ये भी फोर बाय फाइव के क्या होगा इक्वेलेंट होगा फिर फोर इंटू नाइन अपॉन फाइव इंटू नाइन अगर मैं करूं सो नाइन फोर जा थर्टी सिक्स एंड नाइन फाइव जा फोर्टी फाइव तो आप ध्यान दीजिए यहां पर कि सेम नंबर से उस ओरिजिनल नंबर में मल्टीप्लाई करने पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने पर जो भी नंबर आएंगे वो सभी आपस में कैसे होंगे इक्वेलेंट होंगे तो हम कह सकते हैं कि फोर बाय फाइव एट बाय टेन ट्वेल्व बाय फिफ्टीन थर्टी सिक्स बाय फोर्टी फाइव दीज ऑल आर इक्वलेंट रैशनल नंबर्स अब देखिए यहां रैशनल नंबर से मतलब है कि आप कोई माइनस साइन के साथ भी ले सकते हो तो जैसे माइनस एटीन अपॉन थर्टी सिक्स आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एटीन से डिवाइड किया सो ऊपर आया माइनस वन और नीचे आया टू सो ये माइनस एटीन बाय थर्टी सिक्स माइनस वन बाय टू दीज बोथ आर एंड रेशनल नंबर्स। तो हमें एक बात क्लियर हुई कि किसी भी रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर या सेम नंबर से डिवाइड करने पर उस नंबर में सिर्फ न्यूमेरिकल चेंजेस आते हैं बाकी वो फ्रैक्शंस आपस में इक्वेलेंट ही रहते हैं क्यों क्योंकि जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया है उसी सेम नंबर से डिवाइड करके हम फिर से उसको उसके ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं अब आप एक क्वेश्चन देखिए इक्वल एंड फ्रैक्शन का एग्जाम्पल देखिए माइनस नाइन बाय फाइव इज गिवन एंड देन इक्वल टू दिस क्वेश्चन मार्क अपॉन ट्वेंटी इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन अपॉन क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू माइनस फोर्टी फाइव अपॉन क्वेश्चन मार्क मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट दीस थ्री नंबर्स इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सो आप देखिए इक्वल एंड फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है हम मैंने अभी बताया कि हम सेम नंबर से मल्टीप्लाय और सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं सो so, सबसे पहले आप इन दोनों को अभी रहने दीजिए आप यहां देखिए इफ दीस टू रैशनल नंबर्स आर इक्वल एंड देन हम यहां पर देखेंगे कि अगर ये दोनों इक्वेलेंट है तो फाइव में किस नंबर का मल्टीप्लाई करने पर हमें ट्वेंटी मिलेगा सो फाइव फोर जा ट्वेंटी तो अगर डिनोमिनेटर में फोर का मल्टीप्लाई करने पर ट्वेंटी मिल रहा है तो उसी सेम नंबर से हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ओके okay? सो so आप देखिए माइनस नाइन अपॉन फाइव ये फोर से मल्टीप्लाई मैंने डिनोमिनेटर में किया और फोर से मल्टीप्लाई मैंने न्यूमरेटर में किया जब मैंने न्यूमरेटर में फोर से मल्टीप्लाई किया सो थर्टी सिक्स एंड प्लस माइनस माइनस ये इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन है जो इंटीजर चैप्टर में हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं और फाइव फोर जा ट्वेंटी तो आप देखिए यहां कि अगर माइनस नाइन बाय फाइव है तो वो उसके इक्वेलेंट क्या होगा जिसका डिनोमिनेटर ट्वेंटी है तो डिनोमिनेटर ट्वेंटी है तो न्यूमरेटर तो क्या होगा माइनस थर्टी सिक्स होगा तो हम इस प्लेस पर क्या लिख सकते हैं माइनस थर्टी सिक्स लिख सकते हैं फिर आप ये सेकंड देखिए से भी हमें माइनस नाइन बाय फाइव के इक्वेलेंट ही लेना है तो हम यहां पर लिखेंगे माइनस नाइन बाय फाइव यहां है ट्वेंटी सेवन न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर हमें निकालना है तो आप देखिए न्यूमरेटर में ट्वेंटी सेवन कब आएगा जब हम नाइन में पहली बात तो थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में ऊपर न्यूमरेटर पॉजिटिव देकर रखा हुआ है तो अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव है और यहां न्यूमरेटर निगेटिव है तो हमें निगेटिव से पॉजिटिव न्यूमरेटर बनाने के लिए माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो नाइन थ्री जार ट्वेंटी सेवन एंड माइनस माइनस प्लस अब आपने क्योंकि माइनस थ्री से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया है इसलिए आपको माइनस थ्री से ही डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो फाइव थ्री जा फिफ्टीन ये वैल्यू हो जाएगी सो दिस माइनस नाइन बाय फाइव एंड ट्वेंटी सेवन अपॉन माइनस फिफ्टीन इज इक्वेलेंट माइनस नाइन बाय फाइव इज इक्वल टू माइनस थर्टी सिक्स अपॉन ट्वेंटी यह भी आपस में इक्वेलेंट है अब लेते हैं लास्ट वाला so minus नाइन by फाइव is the equivalent rational number of minus माइनस फोर्टी फाइव अपॉन क्वेश्चन अब आप देखिए नाइन से फोर्टी फाइव कब बनेगा आप बताइए जब हम फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे नाइन फाइव जा फोर्टी फाइव एंड दट माइनस इज एज इट इज सो जब हमने न्यूमरेटर में फाइव से मल्टीप्लाई किया है तो हमें डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है आप ध्यान रखिएगा फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव ठीक है सो ये जो माइनस फोर्टी फाइव अपॉन ट्वेंटी फाइव आया है ये भी इक्वेलेंट फ्रैक्शन है माइनस नाइन अपॉन फाइव का तो हम जो फाइनल आंसर हमारा लिखेंगे वो फाइनल आंसर कैसे हो जाएगा सभी जगह दैट माइनस नाइन बाय फाइव इज इक्वल टू माइनस थर्टी सिक्स अपॉन ट्वेंटी इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन अपॉन माइनस फिफ्टीन इज इक्वल टू माइनस फोर्टी फाइव अपॉन ट्वेंटी फाइव दिस इज और फाइनल आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं सेम टाइप माइनस सिक्स अपॉन इलेवन इज इक्वल टू माइनस एटीन अपॉन क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क अपॉन फोर्टी फोर अब ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि आप समझ चुके हैं सो माइनस सिक्स अपॉन इलेवन इज एज इट इज एंड माइनस एटीन अपॉन क्वेश्चन मार्क विल बी हियर सो आप बताइए कि आपको न्यूमरेटर में माइनस साइन तो पहले से ही है इसलिए हमें सिर्फ नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सिक्स को एटीन बनाना है सो सिक्स थ्री जटीन निगेटिव माइनस थ्री मतलब माइनस थ्री लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर आप माइनस थ्री लेते हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमें तो यहां माइनस की जरूरत है इसलिए हम सिर्फ थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे और इट इज कंपल्सरी कि आपको थ्री से ही मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में भी करना है तो जब आप डिनोमिनेटर में भी थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा इलेवन थ्री या थर्टी थ्री सो ये जो क्वेश्चन मार्क है उसके प्लेस पे क्या आ जाएगा थर्टी थ्री आ जाएगा जब आप माइनस सिक्स अपॉन इलेवन लेते हो और आपको क्वेश्चन मार्क अपॉन फोर्टी फोर लेकर आना है तो आप 11 से 44 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आप इसी 4 से आप न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करोगे तो आप लिखोगे माइनस ट्वेंटी फोर अपॉन फोर्टी फोर सो द फाइनल आंसर विल बी माइनस सिक्स अपॉन इलेवन इज इक्वल टू माइनस एटीन अपॉन थर्टी थ्री इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फोर अपॉन फोर्टी फोर ये फाइनल आंसर हो जाएगा अब आप देखिए एक क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है माइनस वन बाय फाइव इज इक्वल टू एट अपॉन एक्स ये जो एक्स है ना ये एक वेरिएबल है और आपको पता है कि वेरिएबल की वैल्यू तो चेंज होती रहती क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और जो कांस्टेंट होता है वो फिक्स्ड होता है सो so, हमें इस एक्स की वैल्यू निकालनी है यहां पर इस क्वेश्चन में तो आप देखिए कि आप ये एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप देखिए यहां पर माइनस वन अपॉन फाइव है और यहां पर एट अपॉन एक्स है आप माइनस वन से एट बनाने के लिए क्या करेंगे आप माइनस वन से एट बनाने के लिए माइनस एट से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में तब वो वन एट जा एट और माइनस माइनस प्लस बनेगा तो आपको डिनोमिनेटर में भी माइनस एट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो so जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस वन एट जा एट और यहां पर फाइव एट जा फोर्टी और प्लस माइनस माइनस का साइन हो जाएगा तो जब आप इसको कंपैरिजन करेंगे तो कंपेयर करते समय आप देखिए न्यूमरेटर न्यूमरेटर है तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर भी आपस में इक्वल हो जाएंगे अगर बीच में इक्वल का साइन है और दो रैशनल नंबर्स हैं और बीच में इक्वल का साइन है तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर के इक्वल और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के इक्वल होता है तो जब यहां से कंपेरिजन करेंगे तो एक्स की वैल्यू माइनस फोर्टी हो जाएगी एक मेथड तो ये है ठीक है अब इसी क्वेश्चन की मैं आपको एक और मेथड बताता हूं जिससे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं सो so, हम इसे दे देते हैं केस फर्स्ट और इसे दे देते हैं केस सेकंड। तो आप देखिए इसे और दूसरी मेथड से आप कैसे कर सकते हैं माइनस वन अपॉन फाइव इज इक्वल टू एट अपॉन एक्स होता है अब देखिए जब दो रैशनल नंबर्स हो या दो फ्रैक्शंस हो और बीच में इक्वल का साइन हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है तो यहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए माइनस वन इंटू एक्स इज इक्वल टू एट इंटू फाइव हो जाएगा एक्स का मल्टीप्लाई माइनस वन में और फाइव का मल्टीप्लाई एट में अब अगर हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स को एक तरफ अकेले रखना पड़ेगा और एक्स को अगर एक तरफ अकेले रखना पड़ा माइनस तो वन को कहाँ भेजेंगे डिनोमिनेटर में सो so, ये हो जाएगा एट इन फाइव अपॉन माइनस वन सो एट फाइव जा फोर्टी और फोर्टी के अपॉन में वन लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन माइनस साइन फोर्टी के साथ आ जाएगा सो एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर्टी यह वैल्यू आ गई मतलब इसे इन दोनों तरीके से आप कर सकते हो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो ठीक है एक क्वेश्चन और देखते हैं थ्री बाय फाइव इज इक्वल टू एक्स अपॉन माइनस ट्वेंटी फाइव यहां एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फिर से हम देख लेते हैं दोनों तरीके से ये क्वेश्चन कि दोनों तरीके से ये क्वेश्चन कैसे होगा सो फर्स्ट थ्री बाय फाइव इज इक्वल टू एक्स अपॉन माइनस ट्वेंटी फाइव आप बताइए आपको डिनोमिनेटर में माइनस ट्वेंटी फाइव चाहिए तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको माइनस फाइव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आप माइनस फाइव से ही न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करोगे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर हो जाएगा न्यूमरेटर में माइनस फिफ्टीन और नीचे हो जाएगा माइनस ट्वेंटी फाइव सो जब आप कंपैरिजन करोगे तो क्योंकि दोनों आपस में इक्वेलेंट फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव है इसलिए न्योमिनेटर भी आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे सो एक्स इज इक्वल टू माइनस फिफ्टीन हो जाएगा अब यही आंसर माइनस फिफ्टीन हम दूसरी मेथड से देखेंगे अगेन द क्वेश्चन इज थ्री बाय फाइव इज इक्वल टू एक्स अपॉन माइनस ट्वेंटी फाइव सो so, अगर मुझे x की वैल्यू निकालना है तो मुझे x को एक तरफ अकेले रखना पड़ेगा और x को अगर एक तरफ अकेले रखना है तो जो माइनस ट्वेंटी फाइव डिनोमिनेटर में है उसको मैं इक्वल के उस तरफ भेज देता हूं तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा आप हमेशा ध्यान रखिएगा किसी भी क्वेश्चन को इक्वेशन को सॉल्व करते समय आपको ध्यान रखना है कि किसी वैल्यू को आप एल से आरएचएस में या आरएचएस से एल में भेज रहे हो तो अगर वो वैल्यू प्लस में है तो माइनस में चली जाएगी माइनस है तो प्लस में चली जाएगी इनटू है तो डिवीजन में जाएगी और अगर डिवीजन है तो इनटू में जाएगी ये आप हमेशा ध्यान रखना सो so, यहां पर मैं माइनस ट्वेंटी फाइव को भेज रहा हूं इक्वल के उस तरफ सो so, आप देखिए एक्स इज इक्वल टू थ्री इन यह डिनोमिनेटर में है पूरी वैल्यू तो इक्वल के उस तरफ जाएगी तो कहां मल्टीप्लाई होगी न्यूमरेटर में अपॉन फाइव सो एक्स इज इक्वल टू फाइव वन जा फाइव 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 जा ट्वेंटी फाइव हम कट कर देंगे थ्री इंटू माइनस फाइव और थ्री इंटू माइनस फाइव हो जाएगा माइनस फिफ्टीन ठीक है